जय माँ भद्रकाली। दोस्तों आज मैं जो आपको कथा बतलाने जा रहा हूँ, एक रुपए का अब, एक रुपए का तब और एक रुपए का अब ना तब, ये क्या है। यदि आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुन लेते हैं और बार बार इसको मनन करते हैं तो आपको जीवन का वास्तविक अर्थ पता चल जाएगा कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। एक समय एक राजा की रानी ने कहा, महाराज मेरे भाई को आप मंत्री बना लीजिए और आप राजा बने हुए हैं। कहा, देवी आपके भाई में वो काबिलियत नहीं है जो मेरे मंत्री में है। कहा, महाराज ऐसा क्या है आपके मंत्री में जो मेरा भाई नहीं कर सकता? जो आप बोलेंगे वो सब कर सकता है, वो ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है। कहा, देवी ज्ञानी ध्यानी और योगी होने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। जब तक गुरु शरण प्राप्त ना हो कोई भी व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जान सकता। कहा, कैसे? कहा, देखिए कल राज्य में सभा है, आप अपने भाई को बुलाइए, मैं उसको 3 मुद्राएं दूंगा। यदि वो इन 3 मुद्राओं में जो मैं बोलूंगा ला देता है तो मैं उसको मंत्री बना दूंगा। कहा, ठीक। सभा का आयोजन किया गया। सभा में रानी का भाई आया और मंत्री एवं सभी सभासद उपस्थित थे। कहा राजा जी ने कि मंत्री जी हमारे इनको साले हैं और महारानी जी का कहना है कि इनको मंत्री पद दिया जाए। यदि ये 3 वस्तुएं ले आते हैं, 3 आने दिए जाएं और 3 मुद्राएं दी गई। 3 मुद्राओं में कहा राजन ने कि 1 रुपए का अब लाना, 1 रुपए का तब लाना और 1 रुपए का अब लाना ना तब लाना। और उनको कहा आज शाम तक ही आपको लाके देना है तो आपको मैं मंत्री बना दूंगा इस राज्य का, और यदि आप नहीं लाए तो कभी आप मंत्री जीवन में नहीं बन पाएंगे। वह महल से निकला और मुद्राएं लेकर दुकान में जाता है, 1 रुपए का अब दे दो। दुकानदार ने कहा हमारे अब नहीं मिलता। दूसरी जगह गया, 1 रुपए का तब दे दो। कहा हमारे तब भी नहीं मिलता। तीसरी जगह गया, 1 रुपए का अब दो न तब दो। कहा जी होता क्या है, वो दिन भर भटकता रहा पर उसे पता नहीं चला। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहीं पूजा। जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाएंगे आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हम समस्त लोगों को ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या का प्रचार ही बतलाते हैं। जो अंतर मन से जाग गया वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों उस व्यक्ति का ज्ञान तो था पर उसका अध्यात्म नहीं जा रहा था। जब तक आपका अंदर का पट नहीं खुलेगा आप ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। और वेद पढ़ने से ही सर्वस्व नहीं हो जाता, अंतर मन का ज्ञान अवश्य होता है। जब वह शाम के समय राजा की सभा में आया, कहा महाराज आपने गलत बोला है, ऐसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं होती कि 1 रुपए का अब, 1 रुपए का तब और 1 रुपए का अब ना तब। का होती है हमारे मंत्री जी को दीजिए। वो 3 आने लेकर मंत्री जी पूरे बाजार में घूमते रहे, 1 दुकान बस में गए और वहां जाकर उन्होंने कहा 1 रुपए का हमको लड्डू दे दीजिए और 1 रुपए का लड्डू ने खरीद लिया। दोस्तों 1 रुपए का लड्डू ले लिया, आगे बढ़े, एक मंदिर दिखा। वह मंदिर में एक दान पेटी रखी हुई थी, उस दान पेटी में उन्होंने 1 रुपए दान कर दिया। दोस्तों उससे आगे बढ़े, एक जगह एक नृत्य की नृत्य करने वाली नाच रही थी, उन्होंने 1 रुपए वहां दान कर वहां पर डाल दिया। अब राजा की सभा में जब वो आते हैं तो राजा ने कहा, और सभी सभासद देखते हैं कि अरे ये तो 15-20 मिनट के अंदर यहाँ पर आ गए। और कहा हो गया? कहा महाराज आपने जो जो कहा था मैं लेकर आ गया। कहा सबको बताइए। कहा महाराज आपने कहा था 1 रुपए का अब लाना, मैं 1 रुपए का लड्डू लेकर आया हूँ, अब आपके सामने है, अब है, आप इसे खाइए या फेंक दीजिए, 1 रुपए का अब मैंने आपको लाके दिया। 1 रुपए का आपने बोला तब लाना, 1 रुपए मैंने आपके नाम से मंदिर में दान कर दिया दान पेटी में। जब आप मर जाओगे तो मृत्यु के बाद आपका जो पुण्य रहेगा वह पुण्य तब मिलेगा जब आप इस संसार में नहीं रहोगे। और कहा 1 रुपए का अब ना तब। कहा महाराज 1 रुपए
मैंने आपका वहां ध्यान किया जहां एक नृत्य की नाच रही थी और उस स्थान पर मैंने उस सिक्के को डाल दिया जो ना आपको अब मिलेगा न तब मिलेगा। दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान और गुरु ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। यदि इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, हम एक के बाद एक सवाल आपके सामने रखते जाएंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्यात्म गुरु के नाम से जय माँ भद्रकाली। भद्रकाली मन्नत दरबार ज्योतिष परामर्श केंद्र त्रिपुरी चौक पूर्वागढ़ा जबलपुर मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9300347944 www.bhadrakalidarbar.com। भद्रकाली दरबार चंद्रमंडल टोना रोड का पुरजोर विरोध करता।